गुड मॉर्निंग बच्चों, सब ठीक है? ओके, आई थिंक यू आर ऑल फाइन। तो आज हम टेक्स्ट बुक का दो चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। वो ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन का जो फॉर्मूली है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसके ऊपर। तो आज उसके ऊपर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 3.2 और 3.3 का टेक्स्ट बुक का। ओके, सो एक एक करते एक्सरसाइज करते हैं। जो इजी क्वेश्चन होगा वो मैं छोड़ दूंगा आपके होमवर्क के लिए, आप लोग होमवर्क कर लीजिए उसको। ओके, तो चलिए, बिफोर जाने से पहले तो आप लोगों ने बता ही दिया है कि आप लोग जो फॉर्मूला मैंने दिया है उसको 2 or 3 times प्रैक्टिस कीजिए, डिराइव कीजिए एक एक करके। ओके, देन यू कैन अप्रोच द प्रॉब्लम, देन यू कैन अप्रोच द प्रॉब्लम। ओके, अदरवाइज आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ये कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, सब प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 नंबर वन का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। cos x is equal to minus half x lies in third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। बाकी सारा जो ट्रिकोनोमेट्रिक है, इसके साइन एक्स, सेक एक्स, कॉस एक्स, सब कुछ निकलना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपके लिए देख लेता हूं। ये अब देखिए, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कहां है? ए एस टी सी, ये फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। फोर्थ में थीटा इज इक्वल टू पाई से थीटा इज इक्वल टू 3π/2, यानी कि हियर पाई लेस देन एक्स लेस देन 3π/2। यू प्लीज रिमेंबर दिस। थर्ड क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, तो इसी से ये आ गया। और यहां में ओनली 10 पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव में होगा। ओके, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, वी नो दिस वन, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4, दैट इज साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2। बट अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, इसमें ओनली 10 पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव होगा। तो यहां में साइन एक्स का दो वैल्यू हमने निकला है, एक है पॉजिटिव और एक है निगेटिव। तो इसमें निगेटिव का वैल्यू रहेगा और बाकी जो पॉजिटिव है 3/2, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट होगा? बिकॉज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स निगेटिव है, तो इसीलिए दिस इज एक्सेप्टेबल। ये हम साइन एक्स इक्वल टू माइनस 3/2 ले लेंगे और बाकी रूट 3/2 ये रिजेक्ट होगा। तो हम लोग क्या निकल गया, कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, इसी से अब हम लोग निकल सकते हैं टेन एक्स। टेन एक्स का मतलब हो गया साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ये साइन एक्स हो गया माइनस रूट 3/2, कॉस एक्स हो गया माइनस हाफ, यानी कि रूट 3 हो गया। साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स होगा, टेन एक्स हो गया, बाकी और क्या सा है अभी, सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos x इज इक्वल टू हो गया -2। ओके, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/sin x, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन एक्स देन कॉटेक्स क्या होगा,
इज इक्वल टू 1 बाय 10 एक्स इज इक्वल टू 1 बाय रूट टेन. दिस इज द आंसर. सो सिंपल. इसमें एक ही चीज याद रखना है आप लोगों को, ये जो x दिया हुआ है इक्वेशन में ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो, ये आप डायग्राम शायद में बना लीजिए. तो थर्ड क्वाड्रेंट यहां से यहां में हो जाएगा, ये सब यहां में हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया. ये सब में ऑलरेडी टेन पॉजिटिव है और एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू तक चला जाएगा ये. ओके, तो यू कैन फाइंड दिस वन, वेरी इजी प्रॉब्लम. और इसमें एक ही चीज है कि साइन एक्स इज इक्वल टू, इसमें दो वैल्यू आ गया, दिस इज एक्सेप्टेबल एंड दिस इज रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ ओनली थर्ड क्वाड्रेंट. बिकॉज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट आई हैव रिजेक्टेड टू थ्री बाय टू मैंने छोड़ दिया. ओके, दिस इज प्रॉब्लम. अब लिख लीजिए, ये एक नंबर का हो गया. बाकी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, घर में प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा हो सके. एक नंबर हो गया, अभी नंबर दो, दो हो गया होमवर्क. तीन सेम प्रॉब्लम है, ये हो गया होमवर्क. नंबर फोर, ये भी मैं दे दिया होमवर्क. नंबर फाइव को मैं सॉल्व करके दूंगा. फाइव में क्या है देख लेता हूँ. फाइव में हो गया 10x इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 12. हमें x कौन सी क्वाड्रेंट में है, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में x लाइज हो गया. ओके, फिर से यू ड्रॉ दिस डायग्राम. ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, यहां में रहेगा ए एस टी सी. यहां में सिर्फ साइन पॉजिटिव है. ओके, तो यहां से क्या हो गया, पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई बाय टू, पाई बाय टू से यहां से पाई बाय टू और यहां में पाई. ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव में आ जाएगा. हमको क्या दिया हुआ है, टेन एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाय टू दिया है. तो यहां से हम लोग आराम से कॉटेक्स निकल सकते हैं. कॉटेक्स मतलब वन बाय टेन एक्स हो गया तो माइनस ट्वेल्व बाय फाइव निकल जाएगा यहां से. टेन एक्स हो गया. और एक तो हम निकल सकते हैं के sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो गया. तो इसमें क्या होगा, वन प्लस ट्वेंटी फाइव बाई वन फोर्टी फोर इज इक्वल टू वन सिक्सटी नाइन बाई वन फोर्टी फोर. दैट इज sec एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना होगा, ट्वेल्व बाई थर्टीन. और इसमें देखिए यहाँ में cos नेगेटिव है, sec नेगेटिव है, तो इसमें क्या एक्सेप्टेबल होगा, माइनस थर्टीन बाय ट्वेल्व होगा और बाकी प्लस थर्टीन बाय ट्वेल्व जो है वो रिजेक्टेड में चला जाएगा. ये रिजेक्टेड हो गया बिकॉज ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट. मैंने इसको माइनस में रख लिया, ट्वेल्व थर्टीन बाय ट्वेल्व इसको एक्सेप्ट कर दिया. ओके, तो cot x निकाल दिया, sec x निकाल दिया, tan x निकाल दिया. अब इसी से cos x हो जाएगा. cos x इज इक्वल टू कितना है, 1 बाय sin x है, तो सॉरी sec x है, सॉरी दिस इज sec x. तो इसमें क्या हो गया, माइनस 12 बाय 13 हो गया. अब भी
साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो, साइन टेन एक्स हो गया, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज वन माइनस 144 बाय 169, ये हमें 169 हो गया, 25 हो गया, यानी कि साइन एक्स हो गया प्लस माइनस 5 बाय 13, यहाँ में साइन एक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये तो यहाँ में निगेटिव रिजेक्टेड हो जाएगा, प्लस 5 बाय 13, माइनस 5 बाय 13 इज rejected. I have find all the trigonometrical ratios. साइन एक्स हो गया तो इसे से हम लोग कॉस एक्स निकल सकते हैं. कॉस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू वन बाय साइन एक्स, यानी कि 13 बाय 5. दिस इज द आंसर. तो जितना सारा प्रॉब्लम हो गई आराम से हम लोग निकल सकते हैं एक एक करके. और बाकी जो मैंने ये दिया है आप घर में ट्राई करके देखिए. सिर्फ क्वाड्रेंट को सिलेक्ट करना है. क्वाड्रेंट आप अगर क्वाड्रेंट आपको याद है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने पहले दिन ही बताया था क्वाड्रेंट का कितना इम्पोर्टेंस है. ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है वो काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट है इसमें. ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गया, ये भी निकल गया. I think you understand. आपको समझ में आ गया होगा अभी. ओके, लेट अस टेक अनदर प्रॉब्लम. और एक दूसरा प्रॉब्लम ले रहे थे आप लोगों के लिए. सिक्स नंबर दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, हमको निकलना है कौन सी वैल्यू. साइन 765 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन निकला, इसको हमको निकलना साइन 65 का. तो काम कीजिए 90 से 765 को डिवाइड कर दीजिए. सेवन बार डे दीजिए, एट बार डे दीजिए, 8 × 90 = 45 degrees. दिस इज सो इजी. नाउ 8 इवन है तो इसमें सेम होगा साइन 45 डिग्री. बाकी हमें प्लस होगा और माइनस होगा. यू गो एंड चेक क्वाड्रेंट. 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लस 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ऑल पॉजिटिव. बस इसमें तो ऑल पॉजिटिव आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं. इज इक्वल टू हो गया आंसर 1/√2. सो सिंपल, आपको यहां से एक मार्क मिल जाएगा. एक मार्क आराम से मिल गया आप लोगों के लिए. ये सब क्वेश्चन जो है एक मार्क के लिए. मैं इसी से एक होमवर्क में आपके लिए बना सकता हूँ. 7 − 7 = 65 °? इसको आप क्या करेंगे, साइन माइनस थीटा जो कैल टू माइनस साइन थीटा, ये आप अप्लाई कर लीजिए. टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है साइन माइनस 765 डिग्री. इसमें एक ही सेंच होगा, साइन माइनस थीटा जो कह लो माइनस साइन थीटा, इसको आप अप्लाई कीजिए, आराम से प्रॉब्लम निकल जाएगा. ओके, तो इसमें 8 है इवन, सो साइन हैज रिमेन सेम. साइन जो है वो साइन में रह गया, बाकी 8 तो आपको दिखाई दिया मैंने, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, इसलिए मैंने इसको प्लस कर दिया. ओके,
मैं और एक प्रॉब्लम ले लेता हूं, आपका मर्जी ये कैसे निकलता है। आप लोग सेवन कोसेक माइनस 1410 डिग्री, ये होमवर्क कर लीजिएगा आप लोग घर में। एट नंबर में सॉल्व कर दूंगा आप लोगों के लिए। 10 19π/3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऐसे में इसमें क्या होगा, मैं आपको होमवर्क भी इजी करके दे देता हूँ। कोसेक माइनस थीटा जो कैल टू माइनस कोसेक थीटा, बस आप इसमें अप्लाई कीजिए। पहले स्टेप जो होगा ये होगा, अब बाद में इसको 90 करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये 19π/3 होगी। तो 19π/3 कितना है, 10 19π/3 यानी कि हो गया 10π/3 मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री होने से क्या होगा, कितना होगा 1140 डिग्री होगा। तो आप अगर स्प्लिट करेंगे तो इसको कितना आएगा, 10 12 cross 90 डिग्री प्लस मेरे हिसाब से 60 डिग्री आ जाएगा। आई थिंक आई एम एब्सोल्युटली राइट। ओके, तो आप इसमें देख लीजिए 12 इवेन है, तो इवेन होने से क्या होगा, 10 60 डिग्री होगा, बाद में प्लस होगा माइनस होगा 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 A S T C। इसमें 10 पॉजिटिव है, ये हो गया पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, √3/2 नहीं, 10 60 डिग्री कितना होगा, √3। बस हो गया। एनी डाउट एनी प्रॉब्लम, आप इसको ऐसे भी निकल सकते हैं। आप 19 cross 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, इसको अगर आप कर लेंगे तो 1140 डिग्री ही आएगा। अगर 1140 डिग्री को आप 90 से डिवाइड कर लीजिए तब यही निकल जाएगा आप लोगों को। 12 बार दे दीजिए तो निकल जाएगा मेरे हिसाब से। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली इट इज परफेक्ट, ये परफेक्ट तरीका है करने के लिए। कोई मैं गारंटी दे सकता हूँ, इफ यू गो थ्रू दिस प्रोसेस, आप अगर इस प्रोसेस से जाएंगे आपका गलती होने का चांस 0% है। सब मार्क आपको मिल जाएगा एक एक करके, एक एक करके सब मार्क आपका हाथ में आ जाएगा। ओके, आप वीडियो को शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, और लाइक भी कीजिएगा, यही मैं गुरु दक्षिणा समझूंगा आप लोगों के लिए। ओके, तब देखिए मैंने आपको कैसे सिखाया, एक एक मार्क आ रहा है आपके लिए। ओके, अब 2-3 बार कीजिए ना, एक एक प्रॉब्लम को 2-3 बार कीजिए, बस हो गया। और बाकी 9 नंबर क्या दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में देख लेता हूं मैं। साइन माइनस 11π/3 कितना दिया हुआ है, 3, ये घर में कर लीजिए आराम से। 10 नंबर कोई दिक्कत नहीं है। कॉट, ये होमवर्क मैंने दे दिया, कॉट कितना दिया हुआ है, माइनस 15π/4, ये भी मैंने आपके लिए होमवर्क दे दिया है। इसके लिए आप अप्लाई कीजिएगा साइन माइनस थीटा जो कैल टू माइनस साइन थीटा। ये कॉट के लिए फिर से यही होगा, कॉट माइनस थीटा जो कैल टू माइनस कॉट थीटा, ये फर्स्ट स्टेप होगा। बाकी सब 11π/3 आप इसी हिसाब से निकल लीजिए, माइनस 15π/4 इसी हिसाब से निकलिए। और बहुत ज़्यादा प्रोसेस है, और दूसरा प्रोसेस भी है इसको करने के लिए, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। कौन सा प्रोसेस आपको इजी लगता है, मेरे हिसाब से ये सबसे इजी तरीका है, क्योंकि इसमें
गलती होने का चांस बहुत कम है, 0% है, 0% है गलती होने का चांस। तो इसी में बेटर समझूंगा कि आप इसी प्रोसेस से चला जाइए। ओके, दिस द आई हैव फिनिश्ड ऑलरेडी द चैप्टर 3.3। नाउ मैंने अभी एक्सरसाइज 3.3 को ले लिया है। ये एक नंबर में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 3 नहीं सॉरी कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस हाफ। इसको प्रूफ करने के लिए बोला है हम लोगों को, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस हाफ, यह हमको प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे इसको, ये तो सबसे इजी प्रॉब्लम दे दिया हम लोगों को। ओके, सॉल्यूशन साइन पाई बाय 6 होल स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाय 3 होल स्क्वायर माइनस, अब ऐसे लिख लीजिए 10 पाई बाय 4 होल स्क्वायर, साइन पाई बाय साइन 30 डिग्री हाफ होल स्क्वायर, कॉस 60 डिग्री कितना होगा रूट 3 बाय 2 होल स्क्वायर 10 पाई बाय 4 1 स्क्वायर, तो यानी कि हाफ प्लस 3 बाय 4 माइनस 1 तो 4, 2 प्लस 3 माइनस 4 कितना हुआ माइनस 2 बाय 4 दैट इज माइनस, ये हो गया आंसर। ओके, दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल। ये आपको हाई स्कूल का कॉन्सेप्ट है, ये वेरी सिंपल। ये तो मैं और एक, दिस इज वेरी इजी प्रॉब्लम, सो मैं जल्दी जल्दी और एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ। नंबर टू में क्या दिया हुआ है, नंबर टू में क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है, टू साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 देन कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 बाय 2, प्रूफ करना पड़ेगा इसको। प्रूफ, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 बाय 2। ये प्रॉब्लम में देखिए, ये इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30 डिग्री, इसमें कॉस 60 डिग्री है, इसका भी कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है इसमें ऑनली कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6, इसको आपको निकलना पड़ेगा। इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको आराम से निकल जाएगा। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखिए, आप इसको कैसे निकालें, सॉल्यूशन 2 साइन पाई बाय 6 होल स्क्वायर कोसेक 7 पाई बाय 6, ये पहला स्टेप है, मैं इसको आपके लिए लिख लेता हूं, ऐसे इसका जरूरत भी नहीं है एक्चुअली। 2 साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30 डिग्री हाफ होल स्क्वायर, आप इसको कैसे लिखेंगे,
कोसेक पाई माइनस पाई बाय सिक्स, अब ऐसे लिख सकते हैं इसको, कॉस पाई बाय थ्री मतलब कॉस सिक्स से देगी, रूट थ्री बाई टू होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू इसमें हो गया वन बाई टू, ये कोसेक क्या होगा पाई माइनस पाई बाय सिक्स, यानी कि पाई इट विल रिमेन सेम टू क्रॉन कॉस 90 डिग्री, टू क्रॉस 90 डिग्री, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कॉस पाई माइनस पाई बाय सिक्स, अगर प्रॉब्लम है तो आप लोगों के लिए मैं इसको डिटेल्स में कर देता हूँ, अब देख लीजिए कोसेक, तो बाद में टू हो गया, इट विल रिमेन सेम कोसेक पाई बाय सिक्स है, और बाकी क्वाड्रेंट में जो आप अगर टेस्ट करेंगे वन टू माइनस फाइव बाई सिक्स बैक हो गया ए एस टी सी साइन पॉजिटिव, यानी कि कोसेक पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव हो गया, तो कोसेक फाइव बाई सिक्स कोसेक 30 डिग्री, तो साइन 30 का मतलब है वन बाई टू, कोसेक 30 कितना होगा टू होल स्क्वायर, क्रॉस इसमें हो गया थ्री बाई फोर डेट इज हाफ थ्री, कोसेक 30 ये हो गया गलती, ये मुझसे गलती हो गया, कोसेक 30 डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया सॉरी हाफ हो गया, इसमें हाफ ये हो गया सॉरी दिस इज वन, तो इसमें टू टू फोर चला जाएगा वन दैट इज थ्री बाई टू आंसर आ गया, कॉस फाइव बाई थ्री मतलब हाफ होगा, कॉस पाई कॉस 60 डिग्री हाफ, ये हो गया वेरी इजी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए ये सब। ओके तो और एक नंबर थ्री आप ये होमवर्क ले लीजिए, नंबर थ्री हो गया, थ्री हो गया होमवर्क, वेरी इजी प्रॉब्लम, फोर हो गया होमवर्क, सेम प्रॉब्लम है, सेम स्टाइल का प्रॉब्लम है, फोर कर दूं, ओके लेट अस फोर, फोर में क्या दिया हुआ है मैं आपको दिखा दूं, टू साइन स्क्वायर थ्री पाई बाय फोर प्लस टू कॉस स्क्वायर पाई बाय फोर प्लस टू सेक स्क्वायर पाई बाय थ्री इज इक्वल टू 10, इसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा, इसको प्रूफ करना पड़ेगा, ओके ये हमको दिया हुआ है दिस प्रॉब्लम, वी हैव टू प्रूव दिस प्रॉब्लम, हम उनको प्रूफ करना पड़ेगा सॉल्यूशन कैसे करेंगे, टू साइन स्क्वायर इसको कैसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय फोर प्लस टू कॉस पाई बाय फोर, यानी कि वन बाय रूट टू होल स्क्वायर, टू कॉस पाई बाय थ्री कितना है, कॉस पाई बाय थ्री है वन बाय रूट टू, तो सेक होगा टू होल स्क्वायर, वेरी इजी प्रॉब्लम, तो टू फिर से साइन स्क्वायर पाई बाय फोर प्लस टू क्रॉस वन बाय टू प्लस फोर एट, यानी कि टू पुरन वन बाय रूट टू होल स्क्वायर, इसमें वन हो गया इसमें एट हो गया, तो चला गया ये हो गया वन प्लस एट यानी कि वेरी इजी प्रॉब्लम ये आप लोगों के लिए, सिर्फ इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी जो प्रॉब्लम है ये हाई स्कूल का कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम हाई स्कूल का कॉन्सेप्ट है ये, ओके ये भी मैंने कर दिया चार नंबर आपके लिए, आप लिख लीजिए, ओके
डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब काफी सारा इजी प्रॉब्लम है। ये सब आप एक एक करके करते जाइए, एक्सरसाइज लीजिए, 3.3 लीजिए, 1 कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, एक एक करके वन आफ्टर अनदर आप कर लीजिए, खुद ब खुद निकल जाएगा आंसर। एकदम टेंशन कोनी, इसको मारवाड़ी में बोलता है टेंशन कोनी। ओके, देयर इज नो टेंशन। अब फॉर्मूला सीख लीजिए, मैंने बोला ना आपको कितना कॉन्सेप्ट आता है, आप लोग देख ही रहा है क्वाड्रेंट का कितना कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, अभी क्वाड्रेंट हो रहा है और बाकी सब मैंने जो दिखा सिखाया आप लोगों का वही सारा फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ में। और बाकी जो 5 नंबर में दिया हुआ है ये आप घर में कर लीजिए, साइन 75 डिग्री क्वेश्चन मार्क, इसको अप्लाई कीजिए साइन 30 प्लस 45 डिग्री, हिंस में दे दिया। और 2 नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10 15 डिग्री जो कहते क्वेश्चन मार्क, इसको मैंने दिया हुआ है 10 45 माइनस 30 डिग्री कर दिया है, इसको 10 ए माइनस बी में अप्लाई कीजिए, ये आंसर निकल जाएगा। मैंने हिंस भी दे दिया आप लोगों के लिए। ओके, तो और एक प्रॉब्लम है इसमें, 6 नंबर क्या प्रॉब्लम है, प्रूफ 10 कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ये भी एकदम इजी प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं आपको हिंस दे देता हूँ। लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स, बी इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस वाई। तो अभी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी पे ये आ जाएगा, कैसे होगा इसको आप लिख लीजिए, कैसे होगा ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी, एड कर दीजिए। एकदम काफी प्रॉब्लम है, निकल ही दिया मैंने, कर ही दिया आप लोगों के, नहीं सॉरी पाई बाय 4 पाई बाय 4। ये हो गया पाई बाय 2 एक्स प्लस वाई, एड करने से ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई, निकल के आंसर। काफ़ी सारा इजी प्रॉब्लम दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में मेरे हिसाब से, ये आप ट्राई करिए घर में। ओके, और एक प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ, प्रूफ टेट कितना नंबर का है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। प्रूफ टेट 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 एक्स होल स्क्वायर 1 माइनस 10 एक्स होल स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है, कैसे करेंगे इसको आप 10 ए प्लस बी में स्प्लिट कीजिए, 10 ए प्लस बी में, और इसको 10 ए माइनस बी में इसको फॉर्मूला यूज कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, ऊपर का 10 ए प्लस बी और नीचे वो 10 ए माइनस बी में इसको आप एक्सपांड कीजिए, बाद में यूज कीजिए 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू
वन, तो खुद ब खुद आराम से ये आंसर निकल जाएगा। डोंट वरी एट ऑल, आप अप्लाई कीजिए, आंसर आराम से आ जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। मैंने जो हिंस दिया है उसको 10 ए प्लस बी में अप्लाई कीजिए और नीचे वाला को 10 ए माइनस बी में, और वहां में आप अप्लाई कीजिए 10 पाई बाय 4 इक्वल टू 1 अप्लाई कीजिए, आंसर आराम से आ जाएगा। डोंट वरी, नो नीड टू वरी, ओके। तो बाकी ये हो गया 7, 8, 8 को मैं कर देता हूं, ये हो गया, लिख लिया, ओके। एट नंबर में क्या दिया हुआ है? प्रूव डेट क्या दिया हुआ है इसमें? कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, देन कॉस 2 पाई प्लस एक्स, दिस कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 pi plus x, this is equal to 1, cot हो गया, cot 3 pi by 2 minus x, cot twice x, then cos, okay। अब left hand side लिख लीजिए, left hand side, cos 3 pi by 2 plus x, cos twice pi plus x, cot 3 pi by 2 minus x plus cot 2 pi plus x, एकदम इजी प्रॉब्लम है ये, इज इक्वल टू, और सिंपल कर देता हूँ आप लोगों के लिए, 3 पूर्ण 90 डिग्री प्लस x cos pi 2 pi, यानी कि कितना होगा 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 पूर्ण 90 डिग्री इज इक्वल टू, हमें है 2, तो दैट मींस 4 पूर्ण 90 डिग्री प्लस एक्स, ये भी मैंने आप लोगों के लिए इजी कर दिया। इसमें भी मैं 3 पूर्ण 90 डिग्री माइनस एक्स, इसमें भी हो गया कॉट 4 पूर्ण 90 डिग्री प्लस एक्स, ये भी हो गया, एकदम इजी कर दिया आप लोगों के लिए। मैं बाद में आप देखिए इसको कितना होगा, कॉस हमें क्या आएगा, कॉस माइनस साइन एक्स, प्लस होगा माइनस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 2 3 4, एस टी सी कॉस पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया, इसमें 5 क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फिर से पॉजिटिव होगा कॉस एक्स, और इसमें क्या होगा, एक एक करके टेस्ट कर लीजिए, 1 2 3 माइनस एक्स, ए एस टी सी एस में 10 पॉजिटिव, 10 कॉट पॉजिटिव हो गया, यानी किस इवेंट है, इसमें हो गया 10 10x हो गया, 10 हो गया, प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा इसको, इसमें 4 रिमेन सेम रहेगा cot x, बस हो गया। अब इसको लिख लीजिए sin x cos x, इसमें लिख लीजिए sin x by cos x प्लस cos x by sin x, ओके, इसमें साइन एक्स कॉस एक्स, ये एलसीएम ले लीजिए आप लोग, साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, गॉन 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 साइन स्क्वायर, दिस इज 1, ये आंसर हो गया, 4 मार्क्स मिल गया आप लोगों को, काफ़ी सारा इजी में कर दिया इसको आप,
बुक में तो इतना लंबा करेगा ही नहीं, ये यहाँ से डायरेक्ट लिख देगा। ये स्टेप जो है, ये स्टेप मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए लिखा है, ये जो स्टेप है, ताकि कोई समझने में दिक्कत ना हो, गलती होने का संस बहुत कमती हो जाएगा। ये आप अगर ऐसे लिख लेते हैं तो देयर इज नो चांस। ये आपको 4 मार्क्स मिल गया, 4 मार्क्स आराम से मिल गया, 4 मार्क्स। ओके, समझ में आ गया होगा। ओके, लेट अस टेक अनदर प्रॉब्लम। इसको खत्म करना पड़ेगा आज, ये चैप्टर को। ये 10 होमवर्क दे दिया मैंने, 11 होमवर्क दे दिया, 12 होमवर्क दे दिया, 13 में आपके लिए कर देता हूं। 13 कैसे होगा? 13 क्या दिया हुआ है इसमें, मैं देख लेता हूं। प्रूफ टेड कॉस स्क्वायर 26 माइनस कॉस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, कॉस स्क्वायर 26 माइनस कॉस स्क्वायर 6x, इसमें हो गया आपके लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 26, इसमें हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x, यानी कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 26 हो गया। ओके, देन दिस इज साइन स्क्वायर है, फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो आप इसमें साइन 6x प्लस 26 साइन 6x माइनस 26 इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन 8x साइन 4x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, ये हो गया। तो हम लोग आज 13 तक कर दिया है, और बाकी जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है लगता है, और एक वीडियो बनाना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। मैं सोचा भी नहीं था आज खत्म नहीं होगा। ओके, नो प्रॉब्लम, मैंने 13 तक कर दिया है, और बाकी जो 14 होगा 15 होगा ये सब और एक मैं वीडियो आपके लिए बना लूँगा। ये सब मेरे हिसाब से, अब मैंने जो होमवर्क दे दिया है आप लोगों के लिए, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद उसको आप ट्राई कीजिए, ये सब कर लीजिए, और बाकी 14 से मैं और एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए प्रेजेंट करूँगा। ओके, तो लगता है आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है मुझे कमेंट कीजिए, अगर मेरा कभी कभी मैं फास्ट बोल देता हूँ वो भी लिखिए। और बोर्ड जो है थोड़ा सा, हम लोग नया नया वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है देखने में, मुझे पता चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। उन सबसे अलग है, मैं तो हिंदी में कोशिश कर रहा हूँ बोलने के लिए, यही सबसे खासियत है इस वीडियो का। ये जो ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो मैंने हिंदी में बनाया है, देखता हूँ स्टूडेंट को कैसा लगता है, कमेंट कीजिए। वैसे तो मैं हिंदी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, अभी ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड फॉर इसके बाद 14 एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू, टेक केयर।